कांग्रेस के इन लोगों ने जितने लोग हैं ये पता नहीं संकोची हैं शाकाहारी हैं कांग्रेस वाले आपस में तो कभी कभी मांसाहारी हो जाते हैं जब ये आपस में झगड़ने की बात आती है, लेकिन आपस में झगड़ने में तो ये मांसाहारी है, बल्कि हमारी जो देवियाँ हैं वो भी इस मामले में मांसाहारी है। लेकिन जिस समय बाहर कुछ कहने की वो बात होती है उस समय ये शाकाहारी है, उस समय शांत स्वभाव के मुंह से कहते नहीं पकड़ते। मगर हकीकत यह है कि भाजपा ने केवल केवल डीलीहाट की भावनाओं का शोषण किया और यहाँ के विकास में उनका कोई योगदान। जब एक बार यहाँ बहुत बड़ी आपदा आई थी ये उनका फूका था डीलीहाट, उस समय भी जो कुछ काम किया गवर्नर का शासन था उस समय भी हमने करवाया, कांग्रेस ने करवाया, भाजपा भरे गाय। मैं एक एक पल का इतिहास बता सकता और मैंने बहुत जागरूक लगाने की कोशिश की, मैंने राज्य की बड़ी कृपा रही, लेकिन कितनी तरीके की जागर लगा दी, वो द्वारी वाली जागर, अग्यारी वाली जागर, कई जागर लगाई, मगर डीलीहाट का देवता जो है कांग्रेस के लिए नहीं आ चाहिए। अब अभी मयूख महार हमारे नेता है इस जनपद में और आप यदि मौका देंगे उनको चार विधायक देते हैं तो आगे भी कुछ हो सकते हैं, आगे कुछ हो। अब उन्होंने कोई बात कही हमारे पुराने साथी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप जो लोग काम कर रहे हैं बिहार के लिए लड़ते कोई आवश्यक नहीं कि हरीश साहब, मैं तो पार्टी को लड़ाने का काम कर रहा हूँ, मेरे सामने बड़ा लक्ष्य देश में लोकतंत्र खतरे में, ये जो वोटों की ताकत है जिस ताकत का आप प्रदर्शन कर रहे हैं, यदि 2024 तक कोई बदलाव नहीं आया और 2022 में पंजाब और उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में लोकतांत्रिक पार्टियां नहीं जीती तो आप याद रखिएगा कि आपकी बोलने की आज़ादी, लड़ने की आज़ादी, आपके प्रदर्शन करने की आज़ादी, जो आपको धर्म की पालन करने की आज़ादी, अपने विचारों के अनुसार आचरण करने की आज़ादी है, वो आज़ादी खतरे में पड़ जाएगी।